सबकी आवाज मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वृक्षारोपण में मनमानी पे एंड पार्क की जगह पर वृक्षारोपण करने की आज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में MIM के कॉरपोरेटर्स और पूर्व कॉरपोरेटर्स इलियास ने विरोध किया। वृक्षारोपण उस खाली जगह पर किया जा रहा था जो लबे सड़क पर वाक़ है, दिल्ली गेट से करीब, जहां पर पे एंड पार्क का बोर्ड लगा हुआ है, उसके करीब GCB और दीगर आलात से खुदाई का काम शुरू हुआ तो वहां रहने वाले और आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया। सामने ही रहने वाले पूर्व नगर सेवक इलियास किरमानी भी दौड़ते हुए वहां चले आए। उनके अलावा नासिर और दीगर MIM के कॉरपोरेटर्स ने भी कड़ा विरोध किया। नासिर सिद्दीकी ने और इलियास किरमानी ने वहां मौजूद डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रविंद्र निकम से कहा कि ये आपका काम गैर कानूनी है, क्योंकि ये पे एंड पार्क की जगह है जहां पर वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता। इलियास किरमानी ने कहा कि ये रास्ते से इतना करीब है कि ट्रैफिक में और भी दुश्वारी होगी। इस पर निकम कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब से आप बात कीजिए। ट्रैक्टर में भरे दरख्तों को मजदूरों ने जो गड़े किए गए थे वहाँ पर डालना शुरू किया। हंगामा हुआ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर्स MIM के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुँचे, वहाँ पर मुलाकात की। मेयर नंद कुमार घोड़ेले भी आए, लेकिन नंद कुमार घोड़ेले का भी जवाब कोई इत्मीनान बख्श नहीं था। निकम और उनके साथी ये वृक्षारोपण की कार्रवाई होते वक्त सीधा वहाँ से निकले और एक होटल में सामने जाकर बैठ गए। वृक्षारोपण का काम मजदूर करते रहे। इस पूरे वाक़े को देखिए, ये निकम अपने साथियों के साथ होटल में जाते हुए दिल्ली गेट पर और वृक्षारोपण का काम करते हुए मजदूर पीछे, और मुखालिफत करते हुए वहाँ के नागरिक ये निकम होटल में दाखिल होते हुए हमारे कैमरे में, और ये होटल में दाखिल हो गए। और ये मजदूर जो काम कर रहे हैं वहाँ पर दरख्त लगाने का, इस पूरे वाक़े को जो हमने कैमरे में समोया है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अब आप खुद फैसला कीजिए कि हकीकत क्या है, क्या होना चाहिए, पे एंड पार्क को कहाँ जगह है, इस बोर्ड का जो लगा है वहाँ पर पे एंड पार्क, उसका क्या होने वाला है। ये आता काय सांगा, चर्चा करतो तुम्ही, चर्चा केल्यावर अधिकारी मागे ना
क्या है यार, तमाशा चल रहा है। नेशनल बॉडी ने ठहराव पास करी भी है। एक तो मेन बात यह है कि मुख्य जब से ठहराव पास है उसके बाद फिर डबल से ठहराव पास करके पूरा ठहराव दिया है। यहाँ पे गाड़िया खड़े करने के वास्ते आगे दिया अपन ने लाइट मोटर वो उधर है बोला सर, उसको भी हटा दो बोल रहे हैं ना। वो रंग दो ये जो फर्नीचर का फर्नीचर का ठीक है ना, हटा देंगे फर्नीचर, गार्डन नहीं लगा सकते। गार्डन कैसे बनाएंगे, तकलीफ होंगी लोगों को। गाड़ा 30 मीटर का रोड है, मुख्य रास्ता है, आपके प्रीमाइसेस में हैवी नहीं है, वो जेंट सीधा राइट है। पहले तो ये भी हटाना है आपको, एक्सीडेंट होगा कैसा करेंगे, वो गाड़ी आज ट्रैफिक के तुम लगाना है और उसके नीचे मार्किंग है। जो महानगर पालिका का रोड है वहाँ करो ना तुम, जीएचसी का रोड है, लोग ट्रैफिक गाड़िया खड़े करते खड़े करके उधर जाते। डीपी रोड के ऊपर कर सकते क्या, डीपी प्लान के रोड पे? आप बोलो, आप डीएमसी है, डिप्टी कमिश्नर है आप। वहाँ पर पान काम नहीं कर रहे हैं, गार्डन लगा। गार्डन के अंदर कैसा लगेंगे, गार्डन मूवेबल है क्या साहब, गार्डन मूवेबल है क्या? अगर कोई गाड़ी है तो अपन गोद में लिया हटा दिया। तुम्हारी गाड़ी यहाँ खराब होती है तुम कहा रोड पे खड़े करेंगे, साइड में लेंगे कि नहीं, जब तो है ना साइड में। नहीं नहीं मार्किंग कहा है आपकी, देखिए आप चल के मार्किंग है, ये रोड है, ये डामर रोड खत्म हो रहा है, स्पीड का डिफरेंस है, पूरी यहाँ से मार्किंग हटो, ये मार्किंग है, देखिए ये रोड का डायमेंशन देखो, रोड का डायमेंशन, रोड काम करते सीधा जा रहा है रोड। नहीं कमिश्नर सर, अपने सर का विकास भूमुख माणूस आयुक्त अमल लाभला त्याबद्दल आभार आहे, पण आता ह्या रोडवर आपण करताय सुशोभीकरण करताय, शहराचा विकास करताय, पण बाकीच्या लोकांची मानसिकतेचा अभ्यास करा ना। खरंच जर उद्या इथं ऍक्सिडेंट झाला तर लोक जातील तर रोडवर कुठं गाडी लावतील आपल्याला, लोकांच्या भावनेचाही आपण आदर केला पाहिजे। पण मग पुढं लावतील गाडी लावतील रोड हायवे, तुम्हाला दाखवते कुठं मार्किंग करतोय आपण, कुठं काही कमिश्नर आते और जाते। आप औरंगाबाद शहर के प्रॉपर जिम्मेदार अधिकारी हमारे यहाँ से आप डायमेंशन देखो, आप बोलना साहब ये रोड ऐसे सब जाने वाले का रोड है, रोड खुला रहता है, हम रोड ही काम करेंगे। आप अगर उसको बोल दिए कि हम टेक्निकली 30 मीटर के रोड में कुछ नहीं कर सकते साहब, हमारा राइट है। अरे हमारा टेक्निकल काम नहीं है, हमारा टेक्निकल का काम, आप बुलाइए टेक्निकल आलो को सर, आप कुछ भी नहीं कर सकते साहब, पब्लिक का जो है हमारे को इतना मालूम है, आयुक्त से बात करो ना। अरे फोन उठा रहा हूँ, फोन लगाइए, दो मिनट सर, सर सर बरोबर आयुक्त कडे ही मागणी आपण करूया, पण आपण आमच्या महानगरपालिकेचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून लोकप्रतिनिधी आपल्याकडे विनंती करतात, आपणही त्यांना बोलावं, आम्हीही त्यांना बोलू, याच्यामध्ये मध्यम मार्ग लोकांचा भावाचे आहे ना। आपण शेवटी निकम सर, निकम साहेब आयुक्त बरोबर बोलले, आशिर भाई अधिकारी येतात, आपण आपले रिलेशनचे लोक आहेत, आपण नेहमी रिलेशनचे लोक आहेत। सर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, निकम साहब ये लोगों का विरोध क्यों है? मैं कसा बता सकता हूँ, लोकांचा विरोध नहीं है, वाड्याचा शहराचा विकास झाला पाहिजे, पण लोकांच्या जनभावनेचा आदर झाला पाहिजे। मैं कसा बोल सकता हूँ इन लोगों का विरोध, तो आप क्या कर रहे थे यहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या करने के लिए आए थे वो बोलो, मुख्य रास्ता है शहर का और इसको जो है 30 मीटर का रोड है और 30 मीटर के रोड के बाद जो
जो है तो कुछ जो भी कॉर्पोरेशन में एक्टिविटी करना चाहिए। ये 30 मीटर का रोड तो बढ़ा रहे नहीं, और जो मूवेबल आइटम है उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि यहाँ गाड़ी खड़ी है वो समझ रहे अतिक्रमण हो गया, उसको हटाने के लिए एक ऐसा यहाँ पे गार्डन बना रहे कि जिससे और हादसे बढ़ने के डर है। तो हमारा बोलना यह है कि आप पूरा रास्ता खुला करो, हमको कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसी फिक्स चीज मत बिठा दो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो। आए दिन ये रोड के ऊपर कहीं एक्सीडेंट। शहरवासियों का कहना यह है कि जो है नगर सेवकों की खामोशी की वजह से जामा मस्जिद की जो जगह है वक्फ की, उस पर भी गार्डनिंग हुई, तब भी नगर सेवक खामोश रहे, और नगर सेवकों की खामोशी की वजह से ही जो है तो आयुक्त के हौसले बुलंद है और वो हर वो काम कर रहे हैं जो लीगली हो इलीगली हो, ऐसा कहना लोगों का। जामा मस्जिद के पास की जो जगह है वहाँ के ट्रैफिक के इसमें और यहाँ के ट्रैफिक के सिस्टम में आप देख लीजिए, जमीन और आसमान का फर्क है। वहाँ पे वो फुटपाथ के अंदर है, यहाँ पे कोई फुटपाथ नहीं है, रोड छोटी है, और उल्टा ये बीच में जो झाड़ा है इसको काटने का ऑर्डर है। वक्फ की जमीन की बात है, वक्फ की जमीन पर वक्फ बोर्ड कहाँ था, वक्फ बोर्ड कहाँ है जिसकी जगह है, जब उन्होंने वहाँ पे पहुँचे नहीं तो दूसरे लोग क्या उसके ऊपर, जो मालक है उसने पहुँचना चाहिए ना वहाँ पर, वक्फ बोर्ड का बिल्कुल पहुँचना चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर दावा करना चाहिए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पहलवान जो है तो आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है, आपका घर यही है पूरी। पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ पूरा गलत हो रहा, ये जब रोड पे तार फेंसिंग करेंगे तो गाड़िया कहाँ पार्किंग करेंगे लोग, कितने एक्सीडेंट होते हैं, हम खुद उठा के दवाखाना भेजते हैं यहाँ से उठा के। और ठहराव पास हुआ दो खत महानगर पालिका में, मेरा खुद पर्सनल ठहराव था, ठहराव की कॉपी है कि यहाँ पे गाड़िया खड़े करने के वास्ते जगह छोड़ी जाए। तो मैं ये बता रहा, ये ठहराव के खिलाफ महानगर पालिका के जो सम्माननीय नगर सेवकों ने जो ठहराव लिए, जनरल बॉडी ने जो ठहराव लिए, उसके खिलाफ ये कमिश्नर काम कर रहे हैं। रही बात दूसरी, ट्रैफिक जाम होने इसकी जिम्मेदार कौन, ये रोड बीएनसी का है, ये महानगर पालिका का रोड नहीं है, कोई यानी कोई ऐसी इलीगल कोई एक्टिविटीज यहाँ नहीं होते, लोग ट्रैफिक जाम होगा और गाड़ियां कहाँ खड़े करेंगे, ये जबरदस्ती यानी शहर को खूबसूरत बना रहे बोल के गलत काम हो रहा है। एक 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 बात ये बताइए कि अगर चलिए आपकी बात नहीं मानते कमिश्नर, क्योंकि फोन भी नहीं उठा रहे अभी जो इतना मिल रही है, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे। अच्छी रोड पे जाके गार्डन में आना चाहिए अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए। तो कमिश्नर को हम ये बोलना चाहेंगे कि जो अहम काम है शहर के, सबसे पहले वो करो। आज लोगों को ये गार्डन की जरूरत नहीं है, जाकर देखिए आप, दमड़ी महल है, कटकट गेट है, वहाँ पे 10 बार बोलने के बाद में काम नहीं कर रहे, यहाँ पे तीसरे कोने में घुस रहे, यहाँ पे खर्चा कर रहे, ये खर्चा रोडों के ऊपर कीजिए आप। और अगर कमिश्नर नहीं मानते हैं तो हमारे को ये मालूम है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं कॉर्पोरेशन, और इलीगल काम करने में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके खिलाफ करेंगे हम लोग, हम इलीगल काम कर रहे हैं। दिल्ली गेट कडून हर्सुल कडे जाणारा रस्ता हिमायत बाग या परिसरातील 30 मीटर जो विकास रस्ता आहे त्या रस्त्यावरचा त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढण्यात आला। अतिक्रमण काढण्याला कोणाचाच विरोध नाही हे आवर्जून या ठिकाणी मी सांगेल। फक्त थोडेसे मतभेद आहेत, रस्ता वाहतुकीचा आहे, जड वाहनं वाहत आहेत, रस्ता रुंद असायला पाहिजे, आणि मला वाटतं महानगरपालिकेकडं इथल्या नागरिकांची आमच्या सन्मान्य नगरसेवकांची एक रास्त मागणी आहे, तसे आदेश उपायुक्त रवींद्र निकम, उद्यान अधीक्षक विजय पाटील यांना मी दिलेले आहेत। निश्चितच एक चांगला मार्ग सामंजस्याने काढला जाईल, कुठलाही वाद होणार नाही याची सर्वजण काळजी घेत आहेत, काळजी घेतली जाईल।